इस बार चाहते हैं कि हम आपको वोट दें, है जमीनी तौर पे बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, तो हम चाहते हैं कि इस बार एमसीडी में भी काम के नाम पे वोट देंगे। इस बार वार्ड 115 में किसको देखना चाहते हैं? राजेश अग्रवाल जी। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो अच्छे हैं, काम अच्छा करेंगे। इस बार हम चाहेंगे राजेश अग्रवाल जी को देखना, बीजेपी को मौका दे रहे हैं क्योंकि हमने केजरीवाल को बहुत मौका दे दिया। सवाल का जवाब दे दीजिए। कूड़े का पहाड़ जो है उसमें एमसीडी थी, उसमें एमसीडी का रोल है, भाजपा थी एमसीडी में। आज इन्होंने पंजाब की सत्ता में केजरीवाल जी आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, क्या लैंडफिल साइट पंजाब में नहीं है? मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। नमस्कार, एमसीडी का महामंच में आपका स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है वार्ड नंबर 115 में, और यहां पर अगर बात करें हम तो कड़ा मुकाबला है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तीनों चेहरे नौजवान हैं और तमाम यहां पर जनता मौजूद है वार्ड 115 की, और आप देख सकते हैं उनसे बात करेंगे कि वार्ड 115 में आखिरकार किसको चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा चेहरा है जो इनका पार्षद हो सकता है। सभी लोगों से बात करेंगे, इसलिए उदय भारत न्यूज़ कहता है इन लोगों से कि तोड़ो चुप्पी, मत रहो मौन, आपका अपना पार्षद कौन। सबसे पहले जानते हैं क्या नाम है आपका? गौरव। क्या लगता है इस बार वार्ड 115 में किसको देखना चाहते हैं? जी, हम तो बदलाव लाना चाहते हैं इस बार। तो बदलाव कैसा? बदलाव इस बार चाहते हैं कि हम आपको वोट दें। क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया बीजेपी को उसमें सरकार में, और काम हम चाहते हैं कि आप अपनी तरह से, जैसे वो दिल्ली का बाकी काम कर रहा है, ज़मीनी तौर पे बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, तो हम चाहते हैं कि इस बार एमसीडी में भी काम के नाम पे वोट। बिल्कुल, काम के नाम पे वोट। तमाम लोग मौजूद है, एक बार हाथ उठा के बताइए आप लोग वार्ड 115 से। सभी लोग हाथ उठा के बता दीजिए एक बार, सभी लोग वार्ड 115 से, और सभी लोगों से जानेंगे इनका पर्सनल ओपिनियन। मैडम, यहीं के निवासी हैं आप? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे इस बार वार्ड 115 में किसको देखना चाहते हैं? राजेश अग्रवाल जी को। क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि वो अच्छे हैं, काम अच्छा करेंगे। अच्छा, पहले भी मैं 5 साल से आवा चौहान जी के साथ थी। अच्छा, अब भी वो बीजेपी को ही आना चाहिए। वो अच्छे हैं, काम अच्छा करेंगे। काम अच्छा किया है, वो अच्छे हैं, काम अच्छा करेंगे। और लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? आगे आ जाइए। क्या नाम है? अतुल नाम है मेरा। हाँ अतुल जी, क्या देखना चाहते हैं इस बार वार्ड 115 में, कौन सा चेहरा? इस बार हम चाहेंगे राजेश अग्रवाल जी को देखना, बीजेपी को मौका दे रहे हैं क्योंकि हमने केजरीवाल को बहुत मौका दे दिया। सांस नहीं ले सकते, पानी नहीं पी सकते, कहीं जा नहीं सकते, क्राइम बढ़ता जा रहा है, हर जगह बुरा हाल कर रखा है उन्होंने। लेकिन अग्रवाल जी है, पिछले जब से वो है हमें सपोर्ट मिलता है, मोदी जी के उसमें है, तो हमें हर जगह तरक्की तरक्की दिख रही है। अच्छा, मतलब सिर्फ में बीजेपी, इसलिए नीचे भी बीजेपी चाहते हैं आप लोग? बीजेपी चाहिए हमको हर जगह। क्या देखना चाहते हैं? बीजेपी को, राजेश अग्रवाल जी को। क्यों देखना चाहते हैं? क्यों, केजरीवाल ने तो बस दिल्ली को नशे का अड्डा बना रखा है यहाँ पे। नशे के अलावा दारू 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 है यहाँ पे, पॉल्यूशन है। एक आदमी बिना पिए ही सिगरेट 50 सिगरेट पी लेता है, इस पॉल्यूशन में हवा लेता है, इस सांस में। तो 10 साल तो एमसीडी भी रही है, एमसीडी में बीजेपी रही है ना, एमसीडी में, तो तब आपको प्रदूषण नहीं दिखा? नहीं, प्रदूषण तो बीजेपी से प्रदूषण का जो से इसका काम तो दिल्ली गवर्नमेंट देखती है ना, एमसीडी पॉल्यूशन का काम नहीं देखती है। एमसीडी तो साफ सफाई का काम देखती है, बिल्डिंग का काम देखती है, प्रदूषण का काम तो दिल्ली गवर्नमेंट देखती है। वो जिम्मा सारा केजरीवाल के हाथ में है, जो निकम्मी सरकार है, बिल्कुल ही निकम्मी सरकार। यहाँ वार्ड 115 की जनता जो है, अब ये न्यूट्रल जनता, इनसे बात करते हैं, क्या कहना है इस बार किसको देखना चाहते हैं? आपको देखेंगे जी इस बार फिर से, और आप काम करेगी इस बार। क्यों देखना चाहते हैं? बिल्कुल, उसने पहले भी काम करे और इस बार भी करेगी आप सरकार काम। अच्छा, कर रही है, नए नए स्कूल बन रहे हैं, नए नए मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, धीरे धीरे काम चल रहा है, कर रहे हैं केजरीवाल सर काम, और इस बार भी वही आएंगे। देख सकते हैं कड़ा मुकाबला, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ आम आदमी पार्टी, और यहाँ पर बात करते हैं आखिरकार और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहना चाहेंगे बताएं? बीजेपी। क्यों? बीजेपी इसलिए कि मैं तो एक बारी आप इसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे किस मुद्दे पे कहना चाहते हैं बताओ, आप जो मुद्दा कहेंगे मैं जवाब दूंगा उसका। नहीं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विपक्ष कह रही है कूड़े का पहाड़ है जो एमसीडी नहीं कर पाई, ठीक है, और बहुत सारे कर्मचारियों का सैलरी नहीं आना टाइम से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। देखिए, जहाँ तक सैलरी का सवाल है, केजरीवाल जी ने बजट दिया नहीं और इसीलिए रोड़ा कट भी गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ली 272 की 250 सीटें की, वो इसीलिए कि ताकि केंद्र और एमसीडी के बीच में समन्वय बढ़िया हो और काम और बढ़िया हो, ताकि जो ये गेम प्लान कर रहा है केजरीवाल के पार्षदों को बदनाम करूं, उस बीमारी से बिल्कुल इसको हटा दिया। सवाल का जवाब दे दीजिए। कूड़े का पहाड़ जो है उसमें एमसीडी थी, उसमें एमसीडी का रोल है, भाजपा थी एमसीडी में। आज इन्होंने पंजाब की सत्ता में केजरीवाल जी आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से, क्या लैंडफिल साइट पंजाब में नहीं है? अगर पंजाब में नहीं है तो कब खत्म करेंगे?
लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम एमसीडी में आ जाएंगे तो कूड़े का पहाड़ ही सबसे पहले हटाएंगे। अरे साहब, पहाड़ लेके कहा जाएंगे, जहाँ जनता रह रही है तो वहाँ कचरा ठीक है, उसका निरस्तरण होना चाहिए। माननीय अमित शाह जी ने उसके लिए तहखंड के अंदर उसके बिजली बनाने का एक संयंत्र चालू किया है। कोई समस्या होती है जब ज़्यादा प्रचंड होती है, प्रचंड हो गई, और पहले 70 साल कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, लेकिन आज जब से भाजपा सरकार आई है, ध्यान देने के बाद बिजली बनेगी और कूड़े का भी ये लैंडफिल साइटें खत्म हो जाएगी। और इस दिशा में सबसे पहले गौतम गंभीर जी ने उठाया, उन्होंने लैंडफिल गाजीपुर जो लैंडफिल साइट है उसके ऊपर काम किया, तो किसी सांसद ने तो गौतम गंभीर जी ने किया। लैंडफिल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपके पास तमाम लोग यहाँ पर वार्ड 115 के हैं मेरे साथ, इनसे भी जानेंगे। लैंडफिल साइट को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया है, विपक्ष कह रही है कि हम एमसीडी में आएंगे तो कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, और एमसीडी में पहले से ही भाजपा 10 साल से रही है। तमाम लोग वार्ड 115 से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मधुर जैन। क्या चाहते हैं इस बार वार्ड 115 से? बीजेपी राजेश अग्रवाल जी को हम चाहते हैं। केजरीवाल महाचोर है, जब उस पर कोई दिक्कत आती है हाथ फैलाना चालू कर देता है कि हम तो जी हाथ फैला रहे हैं, हमारे पे सहायता की जरूरत है, ये है वो है, मोदी के आगे हाथ फैलाता है, वो देखेंगे, वो मंत्रालय देखेंगे, फिर उसके बहाने चालू हो जाते हैं कि वो मंत्रालय देखेंगे। कब तक चलेगा ये झूठ? आप बताओ, आप ही दिल्ली में रहते हो, आप सही हो, बताओ आप। हमसे मत पूछो, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम जितना सही है वो हम जानते हैं। आप बताइए, एमसीडी में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। आपका अपना पार्षद कौन? निगम राजेश अग्रवाल। चलिए, और लोग हैं जानते हैं। क्या नाम है आपका? आलम। आलम यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहते हैं इस बार वार्ड 115 में? तीन चेहरे हैं आपके पास, राजेश अग्रवाल, अजय राजपूत और दीपक वोहरा। अजय राजपूत। क्यों? कांग्रेस है भाई, पुरानी पार्टी है, चली आ रही है। पुरानी पार्टी है इसलिए तमाम लोग हैं यहाँ पर। अगर हम बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानते हैं। आप आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अमन। क्या चाहते हैं इस बार वार्ड 115 में? इस बार एमसीडी चुनाव में आपको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि सर, इन्होंने बिजली फ्री की है, 200 यूनिट से कम अगर बिजली आती है तो बिल्कुल उसमें जीरो आता है, अगर उससे ऊपर जाते तो उसमें हालांकि कुछ पेमेंट आती है वो ड्यू कर देते हैं, और महिलाओं के लिए बस में सुविधा फ्री करती है, ये सब ये चाहते हैं? हाँ जी सर। अच्छा, आप एक यूथ हैं, अगर यूथ की हम बात करें, क्या लग रहा है कि दीपक बोहरा यूथ है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं और वो आ जाते हैं तो क्या आपके लिए करेंगे? मेरे लिए जो सुविधा होगी वो ये कि एजुकेशन अच्छी की है उन्होंने, आप सरकार ने नई स्कूलें बनाई हैं। चलिए आगे आ जाइए, आपसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। क्या चाहते हैं वार्ड 115 में किसको आना चाहिए? राजेश अग्रवाल जी को। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो आएंगे तो यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। पहले से यहाँ पे और आगे आ जाइए आप, पहले से यहाँ पर भाजपा की पार्षद थी आभा चौहान, क्या लगता है उन्होंने साफ सफाई नहीं किया जो ये आएंगे तो करेंगे? नहीं, वो पहले भी करते थे लेकिन अब और अच्छी ज़्यादा व्यवस्था में करेंगे, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस भी है, वरिष्ठ आदमी भी है, और मतलब काफ़ी सक्रिय रहते हैं इस एरिया में, तो उनको एरिया की जो परेशानी है वो सब कुछ अच्छे अच्छे से पता है उनको। क्या कहना चाहेंगे सर, कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्या लगता है आपके वार्ड का विकास कौन कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पार्षद कोई भी आए, ईमानदार आए, और सबसे मेन हमारा पार्षद सिर्फ बीजेपी का आना चाहिए, राजेश अग्रवाल जी। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको। एक तो वे है ना एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनको मैं 35 से 40 साल मेरे को भी हो गया देखते हुए कि वे बीजेपी के लिए कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, और मैं चाहता हूं कि वे ही जीतें, क्योंकि अभी कोई भी आए, किसी भी पार्टी का आए, आपका आए या है ना कांग्रेस का आए, जो एक्सपीरियंस राजेश जी को है वो किसी को नहीं है। दूसरी चीज़ ये बताना चाहता हूं, हमारे एरिया में 115 वार्ड में आज तक नगर पार्षद के में कूड़े डालने की कोई जगह नहीं है, तो मैं तो यही है ना, कोई भी आए है ना, ये दरखास्त करता हूँ आपके है ना चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले कूड़े डालने की जगह अलाट की जाए, जिससे कि हमारे एरिया में है ना कूड़े डालने का प्रबंध हो, नहीं तो कहीं भी दूसरे वार्ड में हमारे को कूड़ा डालना पड़ता है। इसलिए सरकार जो भी बने उससे यही है दरखास्त कि कूड़ा उठाने का कार्य करें, और राजेश जी जीत रहे हैं, 100% आ रहे हैं। शुक्रिया आपका। तो इस वक्त आपको बता दूं, वार्ड 115 में मेरी मौजूदगी है, तमाम जनता से हमने बात करी और निचोड़ यही निकला कि इस बार काम के नाम पे वोट, और एक निचोड़ निकला है कि अगर किसी को अनुभव है तो हम उसको चाहेंगे, ये यहाँ की जनता का ओपिनियन है। इसी तरह आपको लगातार दिल्ली के तमाम वार्ड का पब्लिक ओपिनियन हम दिखाएंगे, तब तक दीजिए इजाज़त।
नमस्कार। नमस्ते, मैं हूँ मोनिका रावन और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुँचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।